फाइनली फोन ले लिया, तो बस ये समझो कि इंजन कितना हीट हो रहा है। तो गाइस किडनी विडनी बेचने की बात हो गई है, मस्त एकदम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। मतलब मेरे पे रहने के बाद कितना हीट हो रहा है कि नट क्रैक हो जा रहा है। यहाँ से क्रैक हो गया, अब ये क्रैक कैसे हुआ पता नहीं। तो गाइस फाइनली अभी मैं निकल गया हूँ आईफोन लेने, क्योंकि गाइस कई दिन से प्लान बन रहा था आईफोन लेने का। फिर मैंने सोचा पहले 13 ले लेता हूँ, फिर 13 मैंने चेक किया, फिर सोचा चल 13 प्रो ले लेते हैं। एक तो वोकल है तगड़े वाला, ठीक है, फिर उसके बाद 3 बटन से बहुत तगड़े से चल रहे हैं, और अपने को चाहिए कैमरा, मेन चीज कैमरा भी 13 प्रो का जो है नेक्स्ट लेवल है। फिर प्लान बनता गाइस कि भैया 14 प्रो में सिनेमेटिक मोड 4K तक रिकॉर्ड करता है, ये सब को देख के मेरा मूड बना 14 प्रो लेने का। गाइस मैं सोच रहा हूँ ना फिर कि अभी 13 प्रो 14 प्रो दोनों चेक करूंगा, फाइनल डिसीजन जो होगा वो देखूंगा दुकान पे जाने के बाद में कि 14 प्रो लेना है या फिर 13 प्रो लेना है। फिलहाल चेक करते जाके कि भैया कौन सा फोन ले सकते हैं, कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस किडनी विडनी बेचने की बात हो गई है, मस्त एकदम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है, तो सबसे पहले तो पेमेंट लेंगे अपने जाके, किडनी निकलवा देंगे, इधर इधर कहीं को चीरा लगवाएंगे, और भैया कह देंगे कि भैया एक किडनी निकाल ले, फिर एक किडनी से हम भी भैया चलाएंगे आईफोन 14 प्रो, हम भी मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे समाज में कि चलो भाई हमारे पास है किडनी बेच के हमने ले लिया 14 प्रो। अरे वाह झनझना के निकल रहे हैं सब आज, तो ABS गया, ऑटोमेटिक जा रहा है माँ की आँख। ऐसे गाइस मैंने बाइक पे मोड करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरी जो राइड है वो होने वाली है स्टार्ट, तो मैं मोड करना कर दिया इस पे शुरू की भैया पहले से तैयार कर लेते, क्योंकि मे भी अप्रैल के लास्ट मंथ एंड या फिर मई वगैरह में निकल जाऊंगा मैं नेपाल या फिर केदारनाथ तो कन्फर्म है ऑलमोस्ट, नेपाल का देखता हूँ कि नेपाल का डिसीजन स्विच होता है या फिर नहीं होता। ठीक है गाइस, तो बाइक जो है धीरे धीरे मॉडिफाई करा रहा हूँ, जो जो चीज़ मुझे चाहिए जैसे क्रैश गार्ड वगैरह चाहिए गाइस वो मैंने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी, वो आ रहा है। एंड फॉग लैंप चाहिए, मोबाइल होल्डर वगैरह चाहिए, मोबाइल होल्डर तो मैं लिया हूँ एक, कल लेके आया था, उसको रिटर्न करना है क्योंकि वो दूसरा दे दिया, वो फिट नहीं होगा इस वाली बाइक में, वो वैसे बाइक के लिए जैसे ड्यूक वगैरह जिनका हैंडल वैसा होता है उसके लिए वो। गाइस आजकल धूप इतना ज़्यादा हो रही है ना कि मैं दोपहर में निकल ही नहीं पा रहा हूँ, शाम का टाइम हुआ तो मैं निकला, मैंने कहा भाई साहब दिन में नहीं निकलूंगा, मैं दिन में निकला था एक बार लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना मैं वापस घर चला गया, मैं समझ गया कि भाई साहब दिन में नहीं हो पाएगा, धूप इतना ज़्यादा हो रही है, या तो फिर वीकनेस आ गई है बॉडी में या फिर आलस आ गया, क्योंकि पहले हम लोग दोपहर में राइड वाइड किया करते थे, ड्रैग रेस टॉप एंड रेस शूट करते थे, और अभी मतलब फ़ोन लेने जाना है, एक्साइटमेंट है अच्छी खासी, उसके बाद भी मतलब मन नहीं कर रहा। बाकी गाइस अभी बाइक को भी दिखाना है, क्योंकि बाइक में मैंने सर्विस कराई थी ना गाइस लास्ट टाइम, तो सर्विस के बाद से ना इसका जो नट होता है नीचे इंजन के नीचे वो इसका या तो लूज है या फिर उसकी ऑयल सील कट गई है, क्योंकि वहाँ से मोबिल बाहर आ रहा है, 4-5 दिन हो गए, मुझे लगा किसी और बाइक का है, क्योंकि जीजा की बाइक भी वहीं खड़ी होती है एंड उनकी बाइक थोड़ी ओल्ड है, तो मुझे लगा शायद उससे कहीं से टपक रहा हो ल्यूब वगैरह का या फिर वैसा कुछ जो क्लीनिंग के लिए डाला हो कुछ, लेकिन जब 2-3 दिन मेरी बाइक एक ही जगह खड़ी हुई उनकी बाइक वहाँ लगी नहीं, मैं समझ गया कि मेरी से निकलना है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा नीचे नट को, तो जो नट था ना वो पूरा पूरा गीला था भाई साहब, ऑयल में पूरा ऑयल ऑयल हो रहा था। और इस बार गाइस मैंने मोबिल भी थोड़ा अच्छा डलाया था, महंगा मोबिल था, कम हो जाएगा तो फिर लॉस होगा बहुत ज़्यादा, तो अरे चचा कैसे, मतलब देख लो गाइस एकदम यही होता है, मतलब हाथ बाद में दे रहे हैं पहले घुस रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं मेरी साइड। तो गाइस आ चुके हैं हम KTM, वैसे प्रताप भैया से भी बात हुई है, तो शायद मे भी हो सकता है कि एक दो दिन में 390 भी बाहर आ जाए। वैसे गाइस जिस बार मैं घर जाने वाला हूँ इस बीच मैं शायद 1 या 2 तारीख को घर निकल जाऊंगा, ये बाइक तो यहीं रहेगी, और इसके लिए कवर भी लेना क्योंकि बाहर खड़े खड़े बाइक की हालत बहुत खराब हो जा रही है। बाकी उधर मिलेंगे ड्यूक से और RC से, धन्नो एंड बसंती, फोन पे हो सकता है भैया के साथ में कोई ट्रिप भी हो जाए, मे भी बहुत सारे प्लान है इस बार अगर सारे सक्सेस होते हैं तो। और यार मेरे दोस्त लोग बता रहे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा कैसे सुनने को मिल रहा है, ऐसा मत करो यार, बेइज्जती मत कराओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एकदम फुल भर के रखो सारी चीज़ें, कमेंट दिखे 10,000, लाइक दिखे 1,00,000, शेयर दिखे 50,000 और सब्सक्राइबर तो दिखने चाहिए करोड़ों में, तो यार कर दो शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब लाइक जो करना है। भैया ये ना दूसरा चाहिए, ये फिट ही नहीं होगा बाइक पे, इसमें जो पत्ती वाला आता है ना वो चाहिए। तो गाइस माउंट वगैरह का ना जुगाड़ कर रहे थे लोग, तो मैं बस आपको यही प्रेफर करूंगा जितने भी लोग मलदेही आते हैं ना कुछ भी जुगाड़ मत कराना, ठीक है, अगर इजीली आपकी बाइक में फिट हो रहा है, क्योंकि एसेसरीज ना बाइक के लिए बन रही हैं, स्पेशल अलग अलग मॉडल के लिए बन रही हैं, तो बस मेरा कहने का मतलब ये कि एकदम जुगाड़ मत कराना, उससे आपकी बाइक को हार्म हो, स्क्रेच पड़े बाइक पे, जुगाड़ हो आप उसमें 40-50 हज़ार का फोन लगाएंगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है रिस्क लेने का, एकदम सेफ्टी वाला जो लगा वो इंस्टॉल कराना, इसलिए मैंने अब रिटर्न कर दिया कि भैया मेरे को जुगाड़ नहीं कराना है। पहले बोला यहाँ टाइट कर दूंगा,
दूंगा, फिर बोलना यहाँ टाइट कर दूंगा। अरे भाई साहब यहाँ माउंट आ जाएगा, इसमें नहीं अड़ेगा। अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं आजकल दुकान वाले। बेचने के पर्पज से आपका नुकसान हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना सामान बेचने से मतलब है। खैर अंकल ने वापस कर लिया, मेरे साथ वैसे ऐसा होता ही है हमेशा, मेरा कोई भी काम एक बार में होता ही नहीं है। अभी चल रहे सिगरा सर्विस सेंटर। गाइस ये वाला जो नट है ना, ये नया वाला नट है, ये क्रैक हो गया था तो यहाँ से क्रैक हो गया। अब ये क्रैक कैसे हुआ पता नहीं, तो अभी जो है नए वाला लगेगा, पुराने वाला फेंक दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ से जो है काम हो गया पूरा, एंड उसमें ना उसका गाइस वो जो नट था नीचे वाला वो क्रैक हो गया था। तो बस ये समझो कि इंजन कितना हीट हो रहा है, मतलब मेरे पे रहने के बाद कितना हीट हो रहा है कि नट क्रैक हो जा रहा है। बाय द वे बिल्ड क्वालिटी ने एकदम सेटिस्फाइड नहीं किया मुझे, जहाँ तक अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ना यामा को लेके। इंजन के मामले में इंजन टॉप नॉच है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं निकल के आईफोन लेने, क्योंकि भाई साहब मुझे बाइक से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मैं कहा आईफोन बाद में लूंगा, पहले बाइक से ही करा लूं मैं। डॉक्टर को गाइस किडनी तो मैंने बेच दी, और बस अब आईफोन लेना रह गया, पेमेंट भी आ गया, दर्द थोड़ा सा हो रहा है। तो गाइस अभी जा रहे हैं आईफोन लेने। खुल जा भाई, खुल जा लाड साहब, आगे खुल, खुल जा, खुल गया। तो गाइस फाइनली फोन ले लिया, ये फोन, इसके अंदर फ़ोन घर जाके खोलेंगे गाइस, ठीक है। और इसको पैक करके रख लेते हैं बैग में, क्योंकि गाइस इतना प्रीमियम है ना कि बस इसको यहाँ खोलने का एकदम मन नहीं कर रहा। ओके गाइस तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस आज दूसरा दिन, क्योंकि रात में आया था फ़ोन लेके आईफोन, जैसे आपको पता आईफोन लेने गया था, और भाई मैं गया था फिर आने के बाद सो गया था मैं, तो रात में एडिट करके मस्त सो गया था। तो गाइस ये है आईफोन 14 प्रो लिया मैंने फाइनली 256 GB, और इसको अनबॉक्स तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, पर चलो आपको मैं दिखाने वाला हूँ फ़ोन। तो ऐसा डब्बा मिलता कुछ, और गाइस फ़ोन कहाँ है भाई साहब, फ़ोन कहाँ गाइस। तो फ़ोन जो है मिलेगा आपको इधर, ये है हमारा फाइनली नया आईफोन 14 प्रो 256 GB। बाकी मैंने तुरंत इस पे केस चढ़वा दिया, कवर लगवा दिया और टेम्पर्ड वगैरह लगवा दिया, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन है ना, ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे महंगा फ़ोन है। इनफैक्ट ये जिसके ऊपर केस चढ़ा हुआ ना, ये भी मेरी लाइफ का सबसे महंगा है। तो ऐसा है कुछ फ़ोन कवर उतरने के बाद में, और गाइस गैस करो ये कवर कितना होगा, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे महंगा कवर है भाई, ये 800 रुपये का कवर है, वो भी बार्गिंग करने के बाद में 800 रुपये का कवर मिला है। एक बार चेक करो गाइस फ़ोन, ये है फ़ोन हमारा फाइनल, ये हमारा फ़ोन, ये 256 GB, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी के पर्पज़ से चाहिए था, वीडियो वगैरह शूट करनी होती है, फिर अब मैं जो है व्लॉग वगैरह इसी से करने वाला हूँ, सारे व्लॉग वगैरह जो इसी से करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक सिंगल सिम लगा, ई सिम भी इसमें चलता है, लेकिन ई सिम मैंने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, ऑलरेडी चल रहा है मेरा। और इससे पहला जो मेरा फ़ोन है वो मेरा ये वाला फ़ोन है आईफोन 7, तो इसी को मैं यूज़ कर रहा था उससे पहले। बाकी एक बार चेक करो कैसा लग रहा फ़ोन, अच्छा लग रहा तो बताओ। तो गाइस अभी अपनी गब्बर और ये कोल्ड स्टार्ट, एंड आज मैं इसको जा रहा हूँ फिर से सर्विस सेंटर लेके, क्योंकि ABS का जो प्रॉब्लम था, सारी क्लिप्स मैंने एरर जितने दिखा रहा था सब रिकॉर्डेड थे मेरे पास, वो मैंने ले लिया फ़ोन में अपने। तो आज इसकी वारंटी क्लेम करनी है इश्यू की, तो सबसे पहले चलो इसको वॉश कराते हैं। और जो कोल्ड स्टार्ट में आपको क्या करना होता है ना, मिनिमम आपको 50 डिग्री टेम्परेचर प्लस चाहिए होता है, जैसे देखो अभी 44 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे ये 50 क्रॉस करेगा 55-56 जाएगा, गाड़ी एकदम नॉर्मल आइडल हो जाएगी, RPM एकदम आइडल हो जाएगा। अभी 2000 RPM पे चल रहा है, वो 1500-1200 तक पहुंच जाएगा। 50 टच मार गया, देखो साउंड देख रहे इंजन का चेंज होने लगा, RPM स्टेबल नहीं हुआ, अभी कम ज़्यादा हो रहा है, स्टेबल होगा देखो 52-53 डिग्री, अभी स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो 55 डिग्री हो गया, स्टेबल हो गया एकदम। तो 55-60 आप 50 प्लस मान के चल सकते हैं। तो कोल्ड स्टार्ट में ये आपको 2 मिनट नहीं खड़ा करना होता, आपको 2 मिनट ही गाड़ी स्टार्ट रखनी है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आप टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर आपके इंजन का चेंज हो जा रहा है, RPM आपका स्टेबल हो जा रहा है, तो आप लेके चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ABS दिक्कत कर रहा है दोस्तों।